नागौर जिले की जोधपुर खरनाल रोड पर परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर और कर्मचारियों द्वारा शनिवार को एक ट्रक ड्राइवर से चौथ वसूली करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पूरे मामले का ट्रक ड्राइवर द्वारा वीडियो बनाया गया। जब ट्रक ड्राइवर द्वारा वीडियो बनाने की जानकारी सब इंस्पेक्टर और कर्मचारियों को लगती है तो वो दोबारा ट्रक ड्राइवर को रुकवाते हैं और उसके साथ मारपीट कर उसके मोबाइल से वीडियो डिलीट कर देते हैं। मामला सामने आने के बाद विभाग ने गार्ड को हटा दिया है और एसआई को एपीओ कर दिया है। ट्रक ड्राइवर द्वारा वीडियो फेसबुक से लाइव बनाए जाने के कारण तब तक ये वीडियो मोबाइल गैलरी के अलावा उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी सेव हो चुका था और वहीं से फिर से वायरल कर दिया गया। अब मामले में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सब इंस्पेक्टर व सभी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ट्रक ड्राइवर का नाम देवराम लेगा बताया जा रहा है, जो कि पिछले काफी समय से यहां हो रही चौथ वसूली से परेशान था, इसलिए उसने पहले से ही अपने मोबाइल में फेसबुक लाइव शुरू कर दिया था। वीडियो बनाने की पहले से ठान रखी थी। एसआई शिव नारायण भादो की गाड़ी देखकर उसने 50 रुपए बाहर निकाल लिए और कर्मचारी के ट्रक रुकवाते ही उसे दे दिए। जब फंसने का अंदेशा हुआ, इस दौरान अचानक कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए का वीडियो बनाए जाने का जब अंदेशा हुआ तो वो वापस दौड़कर ट्रक चालक के पास पहुंचे और उससे गिल्टी और बिल ले लिया। इस दौरान खुद एसआई शिव नारायण भादु ड्राइवर का मोबाइल छीनने के लिए उसके पीछे भागे और ये पीछे भागने का भी दृश्य उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वो किसी भी तरह से दूर भाग जाता है। इसके बाद परिवहन विभाग के कर्मचारी जैसे तैसे करके उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ मारपीट कर वीडियो डिलीट कर देते हैं। वायरल वीडियो के साथ साथ दो ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एसआई भादु पीएस कलवाणिया नाम के व्यक्ति से फोन पर मामले को रफा दफा करवाने के लिए तथा अपनी कैरियर की दुहाई देते हुए मन्नतें करता सुनाई पड़ रहा है। इस ऑडियो में वो ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेने की बात भी कबूल करता सुनाई पड़ रहा है। आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई इन सब इंस्पेक्टर भादु और युवा नेता पीएस कलवाणिया के बीच। पीएस कलवाणिया ड्राइवर के निकट संबंधी बताए जाते हैं। हाँ बताओ। निवेदन करो तनवीर भाई, आपने पूरी बात हुई की साहब, अभी ऐसी जाकर आप कोई घर का अलग आदमी तो हाको नहीं और हटेगा ही मनागोर का, मैं यहाँ सही हटे का साहब है। अब थाके लारे में बेटा आप ठंडा है, टिकन बाद में नौकरी थोड़ी रही। नहीं नहीं, मन तो वो बार भेजियो कि कोई मैसेज है तन ते देखो मोबाइल में वो खाई है तो फिर भेजो तो देखियो। मैं तो तू अटे रोक दे मन भेजती, अब थाके ऊपर ये साहब देखो, मैं तो थाने जानू थाके लारे भी टाइम भी हाथो जोड़ी कर ली ठेको चाहे बट बंजारा की डाणिया है मैं बंजारा अगला फूल अभी पग पकड़िया आती करी और मैं पग पकड़िया भाई हुई की भूल छू। अब देखो थाके ऊपर ये आग लेने हूं मेरे मां बाप सब की सुनो खाई को। सुनो राम नारायण जी, देखो मैंने तो उसको कुछ कहा नहीं था, मैंने तो यही कहा था भाई तू चुपचाप तेरा काम कर, तू तेरा काम कर, ये अपना काम कर। लेकिन उसने बाद में मेरे को भाई साहब पीटा भी मेरे को, मेरे से उन्होंने पहले पैसे ले लिए। मेरे बाप की सौगंध खा रहा हूँ, मैंने अगर पीटा है ना तो रातों रात मर जाएगा। और बोलो इससे बड़ी बात क्या बोलूं, आप उसको फोन करो कि तू आगे कहीं मत भेज और इनको डिलीट कर साहब, आपसे ये विनती है। अब आपके पीछे टिका हुआ हूँ, अब देख लो नौकरी आपके पीछे है मेरी। आप नागौर में पहले उसको समझाओ, आप किस पोस्ट पर हो आप नागौर में? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, सब इंस्पेक्टर हो क्या? हाँ तभी तो कह रहा हूँ, आपको पता है नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, इसको दो मिनट लगेंगे, ये तो अपलोड कर देगा कहीं पे भेज देगा तो नुकसान मेरे हो जाएगा साहब, बीवी बच्चे सब उड़ जाएंगे। आप भी क्यों करते हो यार, वो बहुत परेशान था मेरे को 10 दिन से कह रहा था। अरे मेरे परेशान था तो उसको कहता ना, ये वो इतना कहते थे ना कि मैं परेशान हूँ तो ही हम छोड़ देते यार, वो तो फिर वही बात है। अब चाहे कुछ भी हो उसमें वो कह रहा था कि मैं सुनो मेरी बात, वो वहाँ से निकला ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक वो कह रहा था भाई साहब मैंने खाना नहीं खाया कहीं रास्ते के अंदर, ये लोग पैसे लेते हैं लट मारते हैं हमारे, ठोकते हैं लट लेके खड़े रहते हैं। कभी यार नागौर का ओड़वा कभी नहीं आया, ये पहली बार इसने दिया तो मैंने विनती कर ली उसको, मैं बोला तू आज के बाद कभी आए उसे पूछना लास्ट टाइम है, तू रामा शमा करना और चले जाना बस, इससे बड़ी बात कुछ नहीं बोली। और अब यानी आप उसको विनती करके बात बताओ, आगे नहीं भेजते गए गलती से भी साहब, आपके ऊपर टिका हुआ सब मामला, अब आप वो आपके पीछे नौकरी है मेरी, बस मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इससे बड़ी बात क्या बोलूं। अरे यार मैं तो क्या, मेरे को तो पता नहीं था, मैंने तो कहा डिलीट, आपने कहा मैंने डिलीट तो कर दी, आपने डिलीट कर दी थी ना उसके मोबाइल में, अब वो फेसबुक पे जाके उसने रिकवर, आप कह रहे हो जहाँ से उसने रिकवर कर ली होगी। हाँ। अब उसको बोल कि कहीं भी मत भेज और इसको डिलीट कर दे भाई, अगले की नौकरी तारी अपने हाथों से। पहले मेरे को फोन किया था कि कलवा
लवानिया जी, मैं आज नागौर में हूँ और आपके ऐसे ऐसे मामले क्षेत्र में हूँ, यार मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मेरी तो कहीं जान पहचान नहीं है नागौर आरटीओ वार्टीओ में कहीं पर भी। तो बोला मैं वीडियो बना रहा हूँ, मदद करना। आपको कह दिया, सुनो, सही, उसको सुनो मेरी बात सुनो, फिर आज के बाद में नागौर कहीं और है ना, तो मैं बैठा हूँ आधी रात को हाजिर हूँ उस भाई के लिए। अब उसके पीछे सब कुछ टिकी हुई है जिंदगी मेरी, अब आप कैसे भी करके ये मामला शांत कराओ और उसे डिलीट कराओ कैसे भी करके। गाँव कौन सा नागौर में? मेरा जाहिल है प्रॉपर है। अच्छा प्रॉपर विष्णु हो क्या? तो ये आपके ऊपर टिकी हुई बात पूरी जिंदगी, अब आप कैसे करो, आप प्लीज आपसे विनती है, पैर पकड़ो यार। उसने ये वो थोड़ा सा सनकी तो देखा ही आपने, उसका व्यवहार देखा ना आपने, कैसा व्यवहार है उस लड़के का। किसी भी है पर आपके कहने से आपके ऊपर नहीं जाएगा, उसने ये बात बोली है कि आपके ऊपर नहीं जाऊंगा, तो उसको ये कह देना भाई तेरे नागौर में कभी दिक्कत है आधी रात को मैं हाजिर हूँ। चलो मैं बात ठीक है, तो बात कैसे भी करके उसको मनाओ, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कैसे भी करके मनाओ उसको प्लीज। करता हूँ मैं बात उससे, वापस करता हूँ, लेकिन यार आपको मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, उसको ठोका भी है यार। नहीं करी, मैं मेरी माँ की सौगंध खा रहा हूँ, बाप की सौगंध खा रहा हूँ, अगर उसको हाथ भी उठाया तो। सुनो मेरी बात, वो कह रहा, अरे सुनो तो सही, सुनो, वो कह रहा है यार 50-50 रुपए के लिए ले लेते, 50 रुपए क्या चीज होती है यार, आप क्या बात कर रहे हैं? कोई चीज नहीं होती मायने, वो तो रोड पे चलती है, तो गाड़ी वाले देखो हकीकत आपको पता है, देते हैं और जाते हैं। अब इस भाई के कोई पहले की कोई, मैं तो नया नया अभी पोस्टिंग हुई है मेरी करौली से, अभी आया हूँ मैं 1 महीने पहले ही। अच्छा, मेरे को तो कह रहा था कलवाणी जी सारे पैसे ये 50 रुपए ले लेते हैं, कहीं 100 रुपए ले लेते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं चंडीगढ़ से निकलने के बाद। तो तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ, उसको अभी समझाओ प्लीज, और उसको बोलो कि आगे मतभेद, आगे से जिंदगी में कभी और बनी आएगा नागौर में आधी रात उसके लिए हाजिर हूँ, कोई कभी काम हुए तो। अब आप कैसे भी करके उसको मनाओ, अब आपके पीछे जो भी है साहब। चलो ठीक है, मैं करता हूँ बात, देखिए करो साहब, पैर पकड़ो चाहे कुछ करो। सुनो मेरी बात, पैर पकड़ने की बात नहीं, आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो यार, ऐसे क्या करते हो, बिल्कुल ही आप 150 रुपए के लिए यार रोड पे आ जाते हो आप, बिल्कुल यार। अरे तो पब्लिक बहुत परेशान है बादू जी, सुनो मेरी बात, पब्लिक है ना बहुत परेशान है इस मामले के अंदर, कई ट्रक ड्राइवर मामले में, इस मामले में तो बहुत परेशान है, ये सुसाइड कर लेता छोरा, सुनो मेरी बात, ये छोरा सुसाइड कर लेता तो कितनी बड़ी बात हो जाती। मेरे को टेलीफोन, मैंने इसको मोटिवेट किया, कह रहा था कि मैं कुएं में कूदूं, भाई साहब आसपास मेरे कुआं होता ना मैं कुएं में कूद जाता, मेरे पीछे 8-10 लोग ऐसे कूद रहे थे, पीछे दौड़ रहे थे मेरे खेतों के अंदर, सोच नहीं सकते कलवाणिया जी, ये बोला मेरे को। अरे कोई नहीं, भाग रहा था वो, वीडियो देखे ना, वीडियो देखो आप, वीडियो में भाग भी रहे ना, आप भाग तो रहे हो, सच बोलो आप, सुनो बाबू जी आप है ना, सुनो सच बोलोगे तो, सच बात करो ना तो बात करें, आप कह रहे हो मैं भागे नहीं, वीडियो में भाग रहे हो ना यार आप। कैसे नहीं भागा मैं उसके पीछे भागा? अरे मैंने ये कब बोला, मैंने उसको मारा नहीं है, आप मारने का कह रहे हो आप, मैंने उसको मारा नहीं, उसको समझाने के लिए उसके पीछे भागा हूँ। अब मरता क्या नहीं करता, अब वो वीडियो कहीं अपलोड, उसको समझा रहा हूँ भाई तू रुक जा, उससे यही बोल रहा हूँ हर बार, आप वीडियो में देखो कहीं आता पाई कहीं गाड़ी क्लोज हुई है तो बोला कहीं भी नहीं हुई है। मेरा मोबाइल लेने के बाद, लाइव डिलीट करने के बाद मेरे को ठोका के, अब जा तेरी जो वो कर लेना। तो सुनो तो श्री, अब देखो ऐसे है कि आपको ऐसा लगता है तो भी मैं पैर पकड़ता हूँ, अब इस बात को यही दबाओ, आपके पीछे जो भी कल्याणी जी, अब देख लो आपके पीछे हूँ मैं, जो भी हूँ अब मैं तो आपको जानता हूँ, उसके तो मैंने नंबर नहीं लिया, आपके नंबर लिया, मैं बोला कभी आधी रात को मेरा कोई काम हो तो आप निकलो, आपका मैं निकालने नागौर में तैयार बैठा हूँ, पर ये काम आप करो। सुनो विष्णु जी, मेरे तो कोई काम ही नहीं पड़ता ना, मैं ऐसे बात करता बिना मतलब की, मेरे तो इतनी सी थी कि वो मेरा परिचित, इसलिए मैंने कहा, मेरे को पता थोड़ी था कि आपने मारपीट की, इतनी बड़ी मामला मैंने तो कहा मतलब नहीं करी मैं यार। सुनो उससे बात कर लो कि तेरे साहब ने थप्पड़ भी ठोका है ना, तो मैं मेरे बाप की नहीं और आपके जैसे जैसे कर दो, कोई बस उसके पीछे भागा हूँ मैं, और वो किस लिए भाई, मोबाइल के लिए बस। नहीं मोबाइल से आप डिलीट करने के लिए भागे यार, मजे ले रहे हो आप, ऐसे थोड़ी करते, कोई प्यार से लेते यार, मोबाइल भी लेते थे उसको, बैठ दे तो प्यार से, उसको मैंने बोला था मोबाइल दे दे भाई, तो उसको कहाँ दिया वो यार, वो तो आपके सामने देखो ना पूरा वीडियो बना लिया यार, पूरा डिलीट कर दिया उससे आपने। ठीक है चलो करता हूँ। अब सुनो श्री, अब आप कैसे भी इस बात को, प्रोटो साहब आपसे आगे कहीं नहीं जाना चाहिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, इससे बड़ी बात क्या बोलूं। मेरे को पैर पकड़ने, मैं काहे को पैर पकड़ूं, मेरा तो आपने कुछ बुरा नहीं किया, मेरा तो आपको किस लिए पकड़ना है, मैं पकड़ रहा हूँ आपके, और इस बात को यही दबाओ साहब, और आधी रात को मैं उस बंदे के लिए तैयार हूँ, उसको कह देना कभी भी नागौर, और आपके कहने के बाद में ना तो मैंने उसको कुछ करा, और वहां से मैं चुपचाप मेरे रवाना हो गया। ठीक है विष्णु जी, मैं बात करता हूँ। इस फोन कॉल के बाद सब इंस्पेक्टर बादू एक बार फिर पीएस कलवाणिया से मामले को रफा दफा करवाने के लिए दूसरी बार भी कॉल करते हैं, और दूसरी बार भी पीएस कलवाणिया उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पीएस कलवाणिया दोनों कॉल रिकॉर्ड और साथ ही साथ ड्राइवर द्वारा उसको भेजे गए वीडियो भी मीडिया को उपलब्ध करा देते हैं, जिससे अचानक मामला संज्ञान में आता है। मीडिया के संज्ञान में आने के बाद
मामले की खबर जिले सहित प्रदेश भर में फैलती है और इस शर्मनाक मामले की सभी जगह पर निंदा होती है। इस मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी संज्ञान लेते हुए ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अधिकारी जनता को परेशान करेगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस आरटीओ निरीक्षक का ये मामला है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाने वाले युवा नेता पीएस कलवानिया ने घटना के ऑडियो और वीडियो मीडिया को उपलब्ध करवाए। इस ऑडियो और वीडियो के अलावा उन्होंने मीडिया कर्मियों के नाम अपना एक संदेश वीडियो भी प्रसारित किया, जिसमें कि वो सभी मीडिया कर्मियों से इस भ्रष्टाचार अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाने और उसे जनता के सामने उजागर करने की अपील करते नजर आए। चलिए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा पीएस कलवानिया ने मीडिया से। नागौर आरटीओ का जो भ्रष्टाचार को लेकर एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस मामले को रफा दफा करने के लिए मेरे पास नागौर आरटीओ में सब इंस्पेक्टर भादू ने फोन करके मुझे कहा कि इस मामले को रफा दफा किया जाए, लेकिन ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। इसलिए मैंने जो मेरी बातचीत उस भादू से हुई थी भ्रष्ट अधिकारी से, उसकी ऑडियो मैंने मीडिया को भी दी है और मैं मीडिया से आह्वान करता हूँ कि वो इस ऑडियो को आम जन तक पहुँचाएँ ताकि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मेरे पास नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जेके सोनी साहब का मैसेज आया है कि इस मामले में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ अजमेर आरटीओ को जांच सौंप दी गई है और तत्काल प्रभाव से इसकी जांच होगी। मैं मीडिया के चौथे स्तंभ से आह्वान करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रमुखता से इस खबर को दिखाया जाए। हाँ जी, हाँ बात की ना उससे, उसको कह दिया ने, बोले आगे तो कहीं मत कर, तेरे को कह दिया तेरा कुछ नहीं होगा आज के बाद में। वो घबराया हुआ है, वो कह रहा है यार मेरा जोधपुर में भी चालान कटवाएंगे, इनका संपर्क है, वो धमकी दी कि ट्रक तेरी सीज। अरे कोई कुछ नहीं करेगा यार, मैं जवाबदार हूँ, किस लिए कटवाऊंगा यार। अब वो अगर ऐसे करेगा तब जाके उसके दिक्कत आएगी, नहीं तो मैंने कह दिया नहीं कुछ भी नहीं होगा, मैं बैठा हूँ और आपके पास ये सबूत पड़ा, अगर ऐसा कुछ हो जिस दिन अपलोड कर देना। और बोलो भाई, वीडियो तो आपके पास पड़ा है, उसको बोल तू तेरे पास भी रख जिंदगी भर, अगर तेरे पास में कभी आज की तारीख का कल की तारीख का तेरी गाड़ी का कभी भी यहाँ से नागौर की तरफ से चलान आता है ना, तू उस दिन अपलोड कर देना। और बोल यार, इससे बड़ी बात क्या बोलूं मैं, ऐसी बातें मत करो आप साहब, मैं पैर पकड़ता हूँ, आप समझदार हो, नहीं कुछ नहीं होगा। सुनो मैं थोड़ी कर रहा हूँ मेहनत, देखो सुनो मेरी बात, मैंने तो उसको समझाओ साहब, आपका रिश्तेदार है, उसको आप धमका भी सकते हो, कैसे भी कह सकते हो, भाई मेरी जवाबदारी और मैं जवाबदारी ले रहा हूँ, इस बंदे का कुछ भी नहीं होगा इस जन्म में नागौर की तरफ से। देखो सुनो मेरी बात, विश्वास करे आदमी पे। मेरे को तो फोन किया था कि कलवानिया जी मैं बहुत परेशान हूँ और आपके नागौर में आ रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई मैं तो आज जयपुर हूँ कि यार जयपुर में तो, लेकिन नागौर आरटीओ बहुत पैसे लेता है। नागौर नहीं, हमेशा सेवा के लिए मैं बैठा हूँ, उसको नागौर कभी आधी रात को भी, आज नहीं कभी जिंदगी में भी दिक्कत है ना आधी रात को फोन कर दे, इससे बड़ी बात एहसान मंद रहूंगा मैं क्या कह रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या बोलूं, एहसान मंद रहूंगा बस। अब उसको बोल दे तेरे को कहीं जिसको किसी को मतभेद, मैं सांप पैर पकड़ रहा है और मैं कहता हूँ भाई के नाते तू कहीं किसी को मत भेज, मेरे को भेज दी, मैं सेव रखूंगा और तू सेव रख ले, कभी और भाई उस दिन अपलोड कर देना यार। मैं कहीं को सेव रखूंगा, मेरे को तो उसने भेजा कि टीवी चैनल वालों को भेज देना भाई, और तो क्या करूं मैं तो कहीं को भेजूं। अरे किस लिए भेज देना, उसको बोलो के बात को यही दबा, तूने भी साहब को क्या विश्वास करा था, तेरे माँ बाप की सौगंध खाई थी, साहब ने खुद के माँ बाप की खाई थी, वो साहब के भी बच्चे हैं, तेरे भी बच्चे हैं, तो साहब ने भी गम खाया और तू भी अब नहीं, इसको छोड़, जो भी हो गया तो हो गया, अनोनी आगे से साहब ने बोला तेरा नागौर में ध्यान रखेंगे। लेकिन यार आप भी यार देखो भगे तो बहुत खूब थे यार, उस सोरे को बहुत परेशान था आपने, विष्णु जी बहुत किया। अरे तो परेशान तो यार साहब, उसने वीडियो बनाया तो वीडियो बचाव नहीं होगा। एक बात बताओ, कोई अपन गलत काम कर रहे हैं और अपना कोई वीडियो बना ले तो अपन बचाव पक्ष तो रखते हैं ना, तो अपन ने तो वो रखना सोचा, पर वो तो उल्टा से उल्टा होते रहा, तब भी हमने लास्ट में उसको बोल दो भाई अगर मैंने थप्पड़ मारा है नहीं उससे, कुछ तेरा थप्पड़ मारा गया, वो ऐसे बोला ना उसको मारा थप्पड़ मारा है नहीं, उसका कर ले उसका, मैं लाइव खुद देख रहा था फेसबुक पे, वो है ना दीवारें कूद रहा था, पता नहीं कौन सी गौशालाओं में, बाड़ों में, खेतों के, आपकी वो गाड़ी है ना आरटीओ वाली, वो भी बगल बगल में रोड के उसके बराबर में दौड़ रही थी, देखा था मैंने खूब था उसको वीडियो की, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, अब जो हो गया ना तो हो गया, उसको कुछ ही नहीं मारा था, कुछ भी नहीं करा था, बस उसे छीना चपटी करी थी मोबाइल की, तो वो हाथ आया नहीं, फिर वो भाग गया था उसके पीछे, बस भागे, बस यही कहानी थी कुल मिला के। अब उसको कैसे भी करके यानी आप मनाओ,
मैं तो आपको जानता हूँ और आपके पैर पकड़ रहा हूँ साहब, उसको बोल ये यही डिलीट तो मत कर, तू चाहे सेव रख ले भाई। डिलीट तो आपने कर दिया था, वो तो रिसाइकल से फेसबुक से वापस रिस्टोर कर दिया उसने, कोई टेक्निकल वाले के पास गया होगा पता नहीं किसी के पास, तो उसने रिस्टोर। हाँ तो अब उसको बोलो कि ये चीजें अपने शोभा नहीं देती, तेरे बाद वही होगी थी खत्म। अब ये वैसे समझो साहब, किसी की जिंदगी बर्बाद हुए ना तो बचाने वाला बड़ा होता है, मैं तो ये जानू। अब बाकी आप करो, लेकिन सुनो मेरी बात विष्णु जी, आपको भी ऐसे है ना 50-50 रुपए के लिए यार, आपके इस तरीके 50 रुपए लेने का यार, आप कुछ करो तो बड़ों को लूटो ना, आप आपके पास लोग आते हैं लूटो ना, लूटो तो गरीब को मत लूटो। आज वाली को तो चलो मैं बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ, मानेगा उसको बात करके कह दो कि भाई तेरे पास में रखे, देख आगे मत फैला, बस यही निवेदन करो उससे कि आगे मत फैला और बात को यही खत्म कर, ठीक है चलो, है ना। उसको ओल बनी आएगा नागौर की तरफ से, इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं बोलूं साहब, ओल बनी आएगा जिंदगी में कभी भी। हरीश जी के वहाँ के क्षेत्र का ही तो है, मैंने आपको कुछ टाइम ही कहा था बस, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको तो कि भले अपने बात को यही खत्म करे और कोई दिक्कत की बात नहीं। ओल तो है यार मंत्री, अपने नागौर प्रभारी मंत्री भी हरीश जी है। हाँ तो इसलिए तो कह रहा हूँ, फिर फालतू बात पहुंचे साहब के पास में तो अच्छा नहीं लगता साहब, ये कह रहा हूँ मैं, फिर अपने दिक्कत आएगी मेरे आएगी और तो किसी की आनी नहीं है, कर्मचारी मैं हूँ, वो वाली बात है, इसलिए कह रहा हूँ। कल ही वो कह रहा था, कल आए थे क्या हरीश जी नागौर दौरे पे, कल आके गए बताए? कल का तो पता नहीं, मैं तो क्या है कि थोड़ा बहुत है, अभी ऑक्सीजन वाला मामला चल रहा है ना, तो उसमें भागदौड़ में उसमें भी है लगे हुए। आप लोगों की ऑक्सीजन में मत लेना यार, ये ध्यान रखना इतना सा, लोगों की ऑक्सीजन में कहीं लेने लग जाओ कि भाई ऑक्सीजन में पैसे खाने लग जाए, ऐसा मत कर देना यार। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये आज वाली बात को प्रोटो साहब है, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, है ना, आप उसको मना कर दो, बोले तू आगे कहीं नहीं भेजेगा, मेरे को भेज दिया, आज के बाद में अगर ओढ़ भाई है तब अपन उस दिन चढ़ा देंगे, अपने पास तो पड़ी है जिंदगी भर के लिए। नहीं, मैं सुनो मेरी बात, मेरा काम है ना ब्लैकमेलिंग का, कभी जिंदगी के अंदर ना तो मैंने किसी को किया, लेकिन ये है कि मैं इस मामले में तो आप ऐसे सज्जन आदमी हो तो साहब आप मेरे को बचाओगे, बस मैं तो इतना जानता हूँ, अब आपको बचाना है बस, अब उस बंदे को कैसे भी आप शांत करो, नागौर की जवाबदारी मेरी है। उसी का फोन आ रहा है, मैं बात करता हूँ। हाँ उसको बात करके साहब प्लीज शांत करो और समझा दो, नागौर की जवाबदारी मेरी है, आगे किसी को नहीं भेजे, तू तेरे रख ले अपने पास बस, कैसे भी गलती से ही नहीं भेजे किसी को वाह भाई करने के लिए भी। वाह भाई तो इसमें क्या करेगा, वो तो परेशान था, उसने तो क्या की, उसको पता नहीं क्या क्या खूब सूझ गई माइंड में, तो उसने कर दिया, वाह भाई की तो इसमें क्या बात है।